The wrinkles on Fazila's face betray her troubled past. She was brought from Assam and sold to a disabled man in Mewat, Haryana, when she was barely 14 years old, the first of her several husbands. ₹1500 में बेच के गया, फिर मेरे बूढ़ा आदमी हाथ से रखम हाथ, फिर ऐसे ही मैंने मंजूरी बेलदारी करी, फिर मियाबाद में मारे कूटे बैठ जाती करे। Women like Fazila were undergoing severe exploitation and abuse as brides before they were rescued by this man, Shafiq Khan, and his group Empower People. ब्राइड ट्रैफिकिंग एक फॉर्म है ट्रैफिकिंग का, जिसमें लड़कियों को खरीदने या बेचने के लिए शादी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि हम शादी करेंगे और उसके बाद उन लड़कियों को ला करके और दूसरी जगह पे बेचा जाता है या फिर और बॉन्डेड लेबर के जैसा काम लिया जाता है। Used as sex slaves, sold and resold, these hapless victims come from vulnerable socio-economic backgrounds, an easy prey for bright traffickers. ये शादी का नाम लेकर के और वो जो सेक्स रेशियो इम्बलेंस है उसका नाम लेकर के ये बॉन्डेड लेबरर्स को पकड़ करके लाते हैं, इसके अलावा सेक्स ट्रेड में डालने के लिए लाते हैं, इसके अलावा क्या है कि वो घरों में अलग ग्रुप्स जो हैं फैमिली के उनके यूज के लिए लाते हैं। Shafiq has been creating awareness about these trafficked women for the past 6 years. बेटियां उठ रही हैं और समाज चुप है। Watch his story on Amazing Indians this weekend.